आप खुद तो दुबई भाग गए हाउ यू बिकम एन सक्सेसफुल इन कॉपी ट्रेडिंग और यू मेक मिलियंस इन फ्यू डेज और वीक और मंथ्स और उसके बाद कैसे वो सेटअप क्लैप हुआ uh, मोजिल भाई मैं तो yeah, पूछना चाहूँगा कि कितने मिलियन का वो अकाउंट था ठीक है कितना पैसा आपने छापा हाँ. कौन कौन सी गलतियाँ की आपने जिसकी वजह से मतलब आपको लॉस हुआ या आपको हुआ या जानबूझ के कि क्या ये ब्रोकर से आपकी कोई डील हुई थी मैं ये समझता हूँ कि छोटे अकाउंट से इस मार्केट में ट्रेड में इंटर नहीं होना चाहिए दस डॉलर का जो ना वो विड्रॉल अगर नहीं आ रहा तो वो रोना पीटना शुरू कर और देंगे। पोस्टर लग रही है सोशल मीडिया पे भाग गया ब्रोकर भाग हाँ। गया। और ब्रोकर को ये पता नहीं समझते हैं कि ये क्या ये दस डॉलर लेने के लिए आया था हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप आज फिर हाजिर हूँ एक बड़ी ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के साथ आज मेरे मेहमान किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं ऐसे मेहमान जिन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा शहरत की बुलंदियों को छुआ है और ये कैसे मेहमान हैं कि जिन्होंने प्रैक्टिकल लोगों को करके दिखाया कि आज मैदान में, में ये होता है प्रैक्टिकल सो so, मेरी मुराद मोहसिन शेर फाउंडर ऑफ फोरक सिक्खो डॉट कॉम जी मोहसिन भाई क्या हालचाल है जी बहुत शुक्रिया राहील साहब सबसे पहले तो इस पॉडकास्ट में मुझे अपना जो है मौका देने के लिए कि मैं आपसे बात कर सकूं और आपके चैनल के थ्रू आपके ऑडियंस तक या जो भी उसके रिलेटेड क्वेश्चन है उनके मानसर कर सकूं बहुत शुक्रिया आपका वेलकम टू फोरक उस्ताद सबसे पहले मैं जो चीज़ जानना चाहता हूं आपसे कि जो हमारी ऑडियंस है जो कैमरे के उस बारे में देख रही है आ, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बिगिनर हैं ठीक है जाहिर है हमारी घंटे डेढ़ घंटे -डे की पॉडकास्ट भी वो देखते हैं कि कुछ लर्न करने को मिल जाए ऐसा कौन सा रोड मैप है कि आप ये सजेस्ट करते हो कि एक बिगिनर को उस रोड मैप को फॉलो करना चाहिए फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल एंड फ्राम यानी कि नो ट्रेडर टू प्रो ट्रेडर वो बन जाएगा अच्छा इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैंने मुख्तलिफ लोगों को जब ट्रेड करते हुए या इस इंडस्ट्री में आते देखा है मुख्तलिफ वीडियोज़ देखते हैं और ख़ास तौर पर कई लोग इस तरह की वीडियोज़ बना रहे होते हैं कि वो अपनी जो लग्जरी लाइफ है सिर्फ उसी को दिखा रहे होते हैं yes, exactly. जैसे कि गाड़ियाँ बड़े घर और इस तरह के और मैं पर्सनली भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका जो है ना वो रेंट पे घर होता है ठीक है अब जैसे कई लोग दुबई में आते हैं उधर और एक रेंट पे घर लेके और आगे वो दिखा रहे होते हैं

जस्ट uh, इस तरह की चीजें बनाते हुए या इस तरह की चीजें करते हुए फेमस हो जाते हैं हाँ, ठीक है दिखाते हैं शो ऑफ करते हैं लोग उनके, होते हैं। अब उनके पास नॉलेज होता नहीं है और वो क्योंकि गाड़ी दिखा रहे हैं घर बड़े दिखा रहे हैं तो लोग अब छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं और वो भी ये समझते हैं कि वो रातों रात अमीर हो जाएंगे इस तरह की गाड़ियाँ ले लेंगे और नॉलेज जिनको देख रहे होते हैं उनके पास भी नॉलेज नहीं होता नहीं होता बेशक इसमें कोई शक बेश तो मेरी यही सजेशन है रोड मैप प... कौन सा होना चाहिए जी बिल... बारे में सजेशन ऐसी उसमें ही है कि सबसे पहले तो वो एक प्रॉपर जो है ना वो नॉलेज लें प्रॉपर लर्निंग करें प्रॉपर लर्निंग करें उसके बाद कम अज़ कम जो उन्होंने एक अपना बनाया ट्रेडिंग का सेटअप बनाया उस पर कम अज़ कम सिक्स मंथ जो है ना वो प्रैक्टिस करें और फिर अगर वो समझते हैं डेमो के ऊपर अगर वो समझते हैं कि ठीक है, है है, है, जब तक खुद ये आपका पॉइंट बड़ा माशाल्लाह अच्छा है जब तक तुम्हें खुद नहीं ना लगता जब तक तुम अपने पूछ लो सर ये मैं कर लूँ इतना रिस्क ले मैं इतने पैसे डाल लूट मीन यू आर नॉट रेडी बिल्कुल इसमें

के लर्निंग का जो स्टेप है बहुत ज़्यादा लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि व्हाट इज़ द बेसिकली लर्निंग हम कहाँ से लर्निंग करें ठीक है यूट्यूब से करें ई बुक्स पढ़ें या किसी गोरे को फॉलो करें ऐसा वही आप वाली बात के कोई ऐसा कुछ लग्जरी दिखा रहा है ये मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ही इज अ गुड पर्सन और या फिर आपको क्या रिकमेंडेशन है आपकी कि किस तरीके से लर्निंग का रोड मैप बनना चाहिए देखिए अब जिस तरह से आपने YouTube जब स्टार्ट किया था मैंने जब स्टार्ट किया था ये चीजें शेयर करना मुझे आज भी याद है कि जब मैं ये चीजें सीख रहा था या करना चाह रहा था तो कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं था ज़्यादा और अगर था भी तो वो बहुत ही बेसिक कंटेंट था दे आर बिल्कुल राइट सीखने के ऐसे जो मक़े हैं वो नहीं थे आज कल के टाइम में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत ज्यादा कॉन्टेंट जो है ना वो डिफरेंट किस्म का प्रोवाइड है और सबसे मजे की बात यह है कि इस टाइम ना कंपटीशन है मार्केट के अंदर ठीक hmm. है तो जो भी कंटेंट बना रहे हैं वो कंटेंट भी इस तरह का बना रहे हैं कि वो एक जिस तरह के पेड लेवल कंटेंट होता है या, 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 कि मार्केट में रहने के लिए अपने ऑडियंस को करने, करने, के लिए, के लिए, हाँ, करने के लिए। हाँ, तो कंटेंट तो बेताशा और बहुत अच्छा है कहीं पे जाने की या कहीं पे चीज़ें गोरे वाली वो चीज़ें नहीं रही कि आप उनको वहीं से नजर आएगा या सीखेगा जैसे कि माशा आपके चैनल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट है फॉर उस्ताद के ऊपर और आपकी वेबसाइट भी मैंने मैं भी काफ़ी टाइम फॉलो करता रहा हूँ देखता रहा हूँ तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेंट ऑलरेडी मौजूद है इसके अलावा मेरे चैनल के ऊपर पूरी प्ले लिस्ट हैं उसको फॉलो करें और स्टेप बाई स्टेप चीज़ें आलमोस्ट हमने प्ले लिस्ट में डाली हुई हैं और कहीं पे भी कोई ऐसा चीज़ें मिसिंग नहीं है जो वहाँ पे अवेलेबल ना हो तो आई थिंक सो आप अगर उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और uh, इस तरह से चीज़ें सीखते हैं तो इजी है अब कहीं भी ऐसा कंटेंट नहीं है कोई छुपा हुआ कंटेंट हो अच्छा इसमें दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ज्यादातर तो लोग कहते हैं कि यार ये डेमो अकाउंट जो है ना कभी भी डेमो अकाउंट पे ट्रेड करके प्रैक्टिस करके कोई बंदा कामयाब नहीं हो सका सो व्हाट डू यू थिंक डेमो अकाउंट का करना चाहिए या उसी अमाउंट का सेंट अकाउंट बना लेना चाहिए ताकि रियल वाली फील आए वट डू यू सजेस्ट इसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है हाँ मैं भी इस चीज में एग्री करता हूँ डेमो अकाउंट में थोड़ा सा ये होता है कि इंसान जो, हाँ, तो जो भी प्रैक्टिस करने के लिए भी यूज करना चाहिए लेकिन वो स्टार्ट में नहीं थोड़ा बेसिक बिगन लेवल पे आप लेवल आ, सारा उसका नॉलेज पहले गेन करें और उसके बाद फिर आप रियल अकाउंट पे ही प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ट्रेडिंग जो आपकी एबिलिटीज हैं वो इम्प्रूव होने के साथ साथ जो आपके ऊपर उस अमाउंट का प्रेशर आता है या वो उसको कैसे हैंडल किया जाता है क्योंकि डेमो तो एक दफा वाश हो गया तो आप दोबारा से बना लोगे या उसमें लॉस हो रहा है तो इतनी टेंशन नहीं है आप कहीं पे छोड़ के चले गए हो तो आपको टेंशन नहीं है लेकिन अगर आपका रियल अकाउंट है चाहे वो दो डॉलर ही लॉस में चल रहा है तो वो अफेक्ट करेगा आपके जो ना वो उसके ऊपर चीजों के ऊपर तो उससे आप ज्यादा जल्दी और एक अच्छी चीज सीख सकते हैं इवन के अब तो मार्केट में अवेलेबल है कि आप थोड़े से पैसे देके बड़ी अमाउंट का फंडेड अकाउंट ले सकते हैं हाँ बिल्कुल, बिल्कुल वो भी अवेलेबल है कुछ ऑप्शन हैं अवेलेबल खैर अब मैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ता हूँ चीजें तो काफ़ी ज्यादा हैं हमारी पॉडकास्ट बहुत ज्यादा लंबी नहीं करेंगे हम कुछ ऑडियंस के लिए छोड़ेंगे कि ऑडियंस कैसा फीडबैक देती है दे दे। क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछने हैं बड़े गरम गरम स्पेशली अबाउट कॉपी ट्रेडिंग हाउ यू बिकम इन सक्सेसफुल इन कॉपी ट्रेडिंग और यू मेक मिलियंस इन क्यूब डेज और वीक और मंथ्स और उसके बाद कैसे वो सेटअप को हुआ उनके बारे में जानना चाहते हो ना तो कमेंट में लिखो तो फिर हम उसका भी जो है ना जाहिर है रिकॉर्ड करेंगे खैर आज उस पॉडकास्ट को हम नहीं करेंगे लेकिन आज जो मैं पूछना चाह रहा हूँ उन लोगों के लिए पूछना चाह रहा हूँ जो रोड मैप की तलाश में है अच्छा इसमें जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार है आपने उसको टच किया हल्का सा वो साइकोलॉजी का ठीक है कि वो रियल पे वो साइकोलॉजी होती है जो डेमो पे नहीं हो सकती सो व्हाट डू यू थिंक एक जो बिगिनर बच्चा है उसको कितने अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए एक बिगिनर बंदा है उसकी क्या आपके हिसाब से आपने वो शेल्फ बनाई हुई है कि ये इस बंदे को उतने से करना चाहिए देखिए इसके बारे में पता नहीं अब कोई बंदा मुझसे अग्री करना चाहेगा या नहीं मैं मैं जो चीज़ समझता हूँ ना क्योंकि ये मार्केट है सेवन ट्रिलियन डॉलर का वॉल्यूम है वो भी एक डेली वॉल्यूम है इसका इतनी बड़ी मार्केट दुनिया में कोई भी नहीं है ऐसे ही अग्री अब अगर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप वैसे तो ब्रोकर आपको अलाउ करते हैं कि आप पाँच डॉलर एक डॉलर दस डॉलर से भी स्टार्ट कर लें लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज़ गलत है उसकी रीज़न ये है कि जब आप छोटी अमाउंट से एंटर होते हैं तो वहां पे ही आपकी जो साइकोलॉजी है वो खराब हो जाती है क्यों हम उसको ज्यादातर लोग क्या है कि उससे प्रॉफिट बनाना चाह रहे होते हैं ज्यादा जैसे कि अगर बंदा सौ डाल डाल रहा है ठीक है तो अगर ओवरऑल देखा जाए जो मैं मतलब करता हूँ या मैंने दुनिया में जितना देखा है ट्रेडर्स को कि वो किस तरह से ट्रेड करते हैं तो मंथली अगर हम जाए तो फाइव टू टेन परसेंट हमें प्रॉफिट बनाना चाहिए और वो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है ठीक है प्रॉफिट जो प्रॉफिट है वो दुनिया का को कोई भी बिजनेस आपको मंथली बेसिस पे देने के लिए रेडी नहीं है अगर हम जैसे एग्जाम्पल देखें प्रॉपर्टी की तो वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है प्रॉपर्टी का भी लेकिन क्या लगते हैं उसमें भी बिल्कुल लेकिन वो आपको साल में दस परसेंट बना के एवरेज आपको मिलता है लेकिन इस बिजनेस में अब अगर हम सौ डॉलर की बात करें तो दस परसेंट मीन दस डॉलर अब दस डॉलर वो अगर उनको बना भी लेते हैं तो वो कहेंगे यार ये तो हमारा बिजली का बिल या वो जो हमने नेट इस्तेमाल किया उसका बिल नहीं है यहाँ पे भी साइकोलॉजी का इशू है हाँ तो वो यहीं से स्टार्ट में ही गलती करना शुरू करेंगे अब सवाल आपका ये कि इन्वेस्टमेंट होनी कितनी चाहिए क्या मेरे ख्याल में इस, इसका सिंपल फार्मूला है कि आप कमाना कितना चाहते हैं ठीक है उस कमाने का वो दस परसेंट आप देखें जैसे कि अगर आपके लिए लाइफ के लिए सौ डॉलर इम्पोर्ट मतलब ठीक है जी आप मंथली अगर इतना अर्न करते हो तो hmm. आपके लिए वो इनफ है और आपका वो एक हैप्पी हाँ hmm. तो अगर आपने सौ डॉलर कमाना जिस तरह से मैं दस परसेंट का फार्मूला आपको बता रहा हूँ तो इट्स मीन कि आपको एक हजार डॉलर से स्टार्ट करना चाहिए yes. तो उसमें यह है कि आपकी लॉट साइज भी कंट्रोल रहेगा आप अपने आप को ज्यादा जो है ना वो फंसाएंगे भी नहीं और एक बिज़नेस समझ के करेंगे अगर आप छोटी अमाउंट से स्टार्ट करेंगे बड़ा प्रॉफिट बनाना चाहेंगे तो वो बिज़नेस नहीं होगा वो आपका एक गैमलिंग या जुए में चला जाएगा कि कभी आप उसको बना लोगे तो कभी आप वो चीज़ें कर लोगे तो ये चीज़ें इसमें होती हैं ट्रेडिंग प्लान कितना इम्पोर्टेंट है आपकी नज़र में और आपको पता है कि नब्बे परसेंट से ज़्यादा लोग ट्रेडिंग प्लान को फॉलो ही नहीं करते या उनके पास ट्रेडिंग प्लान होता ही नहीं है जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो उनसे पूछते हैं भाई क्या ट्रेडिंग प्लान था क्या रिस्क रिवार्था? तो उनको पता ही नहीं होता आपके जो ट्रेडिंग का मेथड रहा है मैं क्योंकि आपको एज ए बींग ट्रेडर भी हम देखते रहे तो ट्रेडिंग का जो मेथड है क्या वो बेस ऑन ट्रेडिंग प्लान था क्योंकि आप अब यहाँ पे आपने पाँच से दस परसेंट की बात की तो हम यहाँ ऑडियंस यहाँ देखते रहिए कि आप हंड्रेड एक्स भी जाते रहे हैं ठीक है तो वो क्या था और ये जो आप बात कर रहे हैं ये क्या है और क्या वो ट्रेडिंग प्लान के तहत हुआ या फिर ट्रेडिंग के प्लान के बगैर हुआ अच्छा यहाँ पे आई थिंक सो आप आ, मैंने क्योंकि कॉपी रिडिंग स्टार्ट किया था और उसमें अलहमदिल्ला हमने सेवन टू एट मंथ उसको रन किया यस yes, यस yes. और आलमोस्ट सेवन हंड्रेड प्लस प्रॉफिट जनरेट किया yes. था ठीक है तो उसमें ये है कि ये टेन परसेंट कोई फिक्स नहीं है कि hmm. आपने टेन परसेंट जो है वो बनाना कई दफ़ा मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं hmm. कि आप प्रॉफिट बना सकते हो उसमें ठीक hmm. है और टेन परसेंट मीन के एक एवरेज प्रॉफिट आप जनरेट करते हो अगर आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रही है और आपका ट्रेडिंग प्लान के अंदर वो चीजें आ रही हैं तो आप उसको ये तो नहीं है कि आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे मिस या, नहीं आप, करो, मिस हाँ, कर दो या तो ये अब टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस के साथ भी हम क्योंकि बात कर रहे हैं एज अगनर लेवल पे ट्रेडिंग करने की तो आप जब एज अगनर काम कर रहे होते हैं तो वो छोटे छोटे स्टेप्स लें छोटा रिस्क लें और एक टेन परसेंट तक जो है ना वो फोकस्ड रहे तो देन आप एक आ, वो कर सकते हैं एक्चुअली मैं यही सवाल इसलिए पूछा कि बिगिनर को आइडिया हो सके हाँ। कि यार अगले बंदे का मुंह लाल देख के अपना थप्पड़ मार मार कर नहीं करना ऐसे उन्होंने कितने फेलियर देखे पहले ऐसे उन्होंने कितना उस चीज़ को सर्वाइव किया कितना वो एक्सपर्ट हो गया उस चीज में कितनी उसने प्रैक्टिस की कितनी लर्निंग की उस बाद में उस लेवल पे पहुंचा वो बिल्कुल तो उसका ट्रेडिंग प्लान आपका जो इसकी अहमियत है आपकी नजर में आप इसको यूज करते हैं जाहिर है ट्रेडिंग प्लान कोई भी बिजनेस कोई भी बिजनेस है वो प्लान के बगैर तो नहीं चल सकता कि आपने इंटर कब होना है एग्जिट आप इसमें क्या करोगे कौन सी चीज़ें कब खरीदोगे कब नहीं खरीदोगे नहीं। ये तो कोई भी बिजनेस है वो अगर आप उसको प्लान के बिना तो वो करेगा हाँ इसमें अब ये है कि आप पूरी स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करते हैं मैं भी करता हूँ एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम करता हूँ कई दफा उसमें बंदे से गलतियां भी होती हैं क्योंकि ये सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं बिजनेस कोई भी दुनिया का बिजनेस है वो अप डाउन होता है बड़ी बड़ी कंपनियाँ अगर हम बात करें तो वो भी ग्लोग ग्लोग होती है बैंक्स हो जाते हैं इसका मतलब बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस का ही जो तो एक नाम है अब ऐसा नहीं है हमारा थोड़ा सा ये भी लोगों में होता है जहन में बना हुआ कि हम सिर्फ प्रॉफिट ही बनाते हैं या वो चीज़ें लॉस भी होते हैं जाहिर आप उसको कर कैसे रहे हो वो डिपेंड करता है मैनेज कैसे करते हो तो उसके लिए जरूरी है ट्रेडिंग प्लान आपके पास होना चाहिए कि आप खास पर ट्रेडिंग में आप कब कौन सेटअप पे प्ले करोगे आप अपने जो जर्नल्स हैं उसको लाजमी राइट करें

देन आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे जैसे मैं करता हूँ मुझसे भी गलतियाँ होती हैं मैं भी लॉस की तरफ जाता हूँ क्योंकि कोई भी दुनिया में जो कोई भी ट्रेडर है ना वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो हंड्रेड परसेंट ही प्रॉफिट में रहे या वो पूरा लाइफ टाइम ही प्रॉफिट में नहीं। नहीं। रहे अप एंड डाउन लाइफ में आते हैं और ट्रेडिंग उसमें भी आते हैं तो मार्केट सिचुएशंस पे भी होता है कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपके टेक्निकल या फंडामेंटल उसको कर रहे होते हैं कोई दरमियान में सिचुएशन जैसे कोई कोई वार सिचुएशन आ गई yes. कोई आपका आ, ऐसा जो है ना वो कोई भी वाक्य हो गया जो कि मार्केट Election पूरी इलेक्शन है अटैक हो जाते हैं हाँ, बम धमाके हो जाते हैं अब उसका पहले तो नहीं पता होता पहले नहीं पता होता किसी पंड़ा ने पंड़ा कोई धमाका करना पहले बता के थोड़ी करेगा मैं करने लगा हाँ, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है तो उसमें यह है कि वो फिर अफेक्ट करता है पूरी चीज़ों को तो ये है कि आप ट्रेडिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है और खास तौर पर जर्नल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पहले मैं नहीं बनाता होता था मैं नहीं लिखता था वैसे मैं भी स्टार्ट की बात कर रहा हूँ और खैर जैसे मैंने बोला कि मैंने जब स्टार्ट किया उस टाइम ऐसा कोई नॉलेज था भी नहीं तो आप जर्नल बनाएं आप एक्सेल शीट में बना सकते हैं आप राइटिंग फॉर्म में किसी पेपर पे आप राइट कर सकते हो किसी डायरी पे लिख सकते हो लेकिन उसको नोट करें आ, आप राइट करें कि आप क्या गलती कर रहे हो आपने ये इंटर किया था तो किस हुँ. बेस पे एंटर किया था हुँ. आपने एग्जिट किया तो किस बेस पे किया उससे आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ हुँ. देन आप उसको अच्छे तरीके से जना वो समझ पाते हैं कि आपने ये क्या गलती की वेरी गुड अच्छा इसमें जो अगला मेरा क्वेश्चन है ना वो ये है कि मोशन शेयर की स्ट्रेटजी क्या है ट्रेडिंग करता कैसे है लेकिन ये क्वेश्चन अभी मैं उनसे पूछूंगा नहीं मैं चाहता हूँ कि कमेंट में आप बताओ कि आप जानना चाहते हो की तो अगर आपकी फरमाइश होगी तो अगली पॉडकास्ट में हम पूछ लेंगे तो अब मैं इसको थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करता हूँ बाकी इस... आपने जो एक लास्ट जो आपने कॉपी ट्रेडिंग के वाले से भी बात की वो भी मैं पूरी जर्नी शेयर कर सकता हूँ कि उसमें क्या गलतियाँ या वो अब जाहिर है ऑडियंस अगर इंग, वो एंगेज है या करना चाह रही है क्योंकि जो गलत स्टेप्स होते हैं ना वो से इंसान सीखता है अब उसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टेप्स लेना छोड़ दे छोड़ दे वाह 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 ठीक है वा, क्या बार? तो आप गलतियां करते हैं हाँ। लेकिन वो गलतियां कोई कर रहा है तो उससे आप कैसे सीख सकते हो हां तो वो आप मुजदिल भाई आ, मैं तो आ, पूछना आ, चाहूंगा कि कितने मिलियन का वो अकाउंट था ठीक है कितना पैसा आपने छापा कौन-कौन सी गलतियां की आपने जिसकी वजह से मतलब आपको लॉस हुआ या आपको हुआ या जानबूझ के हाँ ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो लोग पूछते हैं कि क्या ये ब्रोकर से आपकी कोई डील हुई थी हाँ ब्रोकर की डील हुई थी तो ये क्वेश्चन भी हम अगली पॉडकास्ट के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक है एंड आई जस्ट सी द रिएक्शन अगर कोई डिमांड ही नहीं तो सप्लाई क्यों दे भाई हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो पाँच सौ ठीक है सर पाँच सौ कमेंट का टारगेट नहीं अब आप भी आपका चैनल है यार मैं भी आया हूँ आपके चैनल पे हजार कमेंट्स तो होने चाहिए ओह माय गॉड देन हम वो कर सकते हैं माशाल्लाह आपकी बहुत एक्टिव ऑडियंस है और हज़ार कमेंट्स कोई इतने ज़्यादा नहीं है चले जी हजार कमेंट का टारगेट है और हजार ही लाइक कर दो यार चलो हाँ। हज़ार लाइक कोई कोई बड़ा बड़ा टारगेट नहीं है कोई बड़ा टारगेट नहीं है तो अगर ये करते हो ना तो भाई मोहसिन भाई दुबई हो पाकिस्तान हो जहाँ ये टारगेट पूरा कर दो मैं पहुँच के पॉडकास्ट रिकार्ड करूँगा अच्छा अब यहाँ पे हम इनको टास्क दे दिया अब ये काम पे लग गए अब आपको मैं थोड़ा सा अब ये आप बताएं कि वट डू यू थिंक कि कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो ट्रेडर करता है और उसको लॉस होता है और कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए उसको ठीक है क्योंकि हम आपको देखते हैं कि मुसलसल ट्रेवलिंग अलॉट स पहुंचे हो अभी आज हम मलेशिया में बैठे हैं कलपुर में कभी आप दुबई में होते हो कभी पाकिस्तान और कभी यूरोप घूम रहे हैं तुर्की तो आ, क्या ये भी आपकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है के ट्रेडिंग के के अंदर स्ट्रेस खत्म करने लिए करते हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ एक्चुअली में कि कौन कौन सी गलतियाँ आपको लगता है कि ये ट्रेडर को नहीं करनी चाहिए अच्छा इसमें मुझे ये लगता है सबसे पहले तो ट्रेडर को जानना चाहिए कि वो किस किस्म का ट्रेडर है हाय 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 वाह ठीक है मजा आ गया कि अगर तो वो मतलब एक स्विंग ट्रेडर है हाँ। तो वो फिर उसी तरह से ट्रेड करे अगर वो डे ट्रेडर है या स्कैल्पिंग करता है या क्या चीज़ वो कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है फिर दूसरी चीज़ इसमें डिपेंड करती है आपका अकाउंट का साइज ठीक है आपने कोई ये कोई भी बिजनेस है ये वो अगेन मैं बात करना चाहूंगा जो ट्रेडिंग के अलावा भी अगर आप बिजनेस को देखें जो बड़े बिजनेस जैसे अभी हम इस एक होटल में बैठे हुए हैं तो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है ठीक है इस होटल के अंदर तो जब भी हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो वो उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही उसको ट्रेड किया जाता है उसके ऊपर प्रॉफिट बनाया जाता है तो जो मैंने एक चीज एक तो गलती मैंने पहले बताई है कि हमारे रीजन में लोग ये करते हैं और कई दफ़ा कई ऐसे लोग सिखाने वाले भी ये चीज बता रहे होते हैं कि छोटे अकाउंट से आप ट्रेड करें मैं ये समझता हूँ कि छोटे अकाउंट से इस मार्केट में ट्रेड में ट्रेडर नहीं होना चाहिए और खास तौर पे गोल्ड पे ट्रेड कर रहे होते हैं मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सौ डॉलर डाल के गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं पचास डॉलर डाल के गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं और वो फिर अगर प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं ज्यादा तो ये उसके लिए फिर वो ओवर ट्रेडिंग करेंगे जाहिर है अकाउंट छोटा है प्रॉफिट उन्होंने लंबा सोचा हुआ है गाड़ी क्योंकि देखी हुई थी एड में तो वो गाड़ी भी उसी सौ डॉलर से पांच सौ डॉलर से लेना चाह रहे हैं लेना चाह रहे हैं आई हाँ। भी होना चाहिए आई आना चाहिए हाँ अब आ, 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 आम से आम आई भी बारह पंद्रह डॉलर का है जी जी यहाँ हजार डॉलर का तो ठीक है ही से वो आईफोन भी लेना चाह रहा है, है। तो

तो कितने की लगेगी किसी भी कंट्री में आप चाहे पाकिस्तान देख लें इंडिया आप देख लें सारे लोग समझदार हैं अगर एक पहले तो उस रेडी जो बनाने का खर्चा है ना वो भी आपका लाख से ऊपर चला जाएगा जहां तक मुझे आईडिया है फिर उसके ऊपर और एक्सपेंस। ये तो एक ऐसा बिजनेस है जो कि बिल्कुल आप आ, लो पे करना चाह रहे हो एक छोटे से छोटा बिजनेस भी आपका इतनी अमाउंट से शुरू नहीं होता सौ डॉलर से जितनी अमाउंट से आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं दुनिया हाँ। का नंबर वन बिजनेस हाँ वाह 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 और ट्रिलियन का वॉल्यूम है उसमें और आप इतनी छोटी अमाउंट से जब एंटर होंगे तो ये सबसे बड़ी गलती है जो हमारे लोग करते हैं ऐसा ही है। तो अगर आपके पास अमाउंट नहीं है आप प्रैक्टिस करें इसके आज कल बहुत ज्यादा हल हैं जैसे आपने बताया कि मुख्तलिफ आज कल बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं अगर कोई अच्छा ट्रेडर है तो वो पैसे कमा सकता है उसके लिए उसके पास जरूरी नहीं है कि पैसे हों पहले तो देन ही वो पैसे कमा सकते हैं अच्छा ट्रेडर होना जरूरी है मेरा तो पर... ये सेंइंग है मेरी ये सेंग है पता नहीं लोग एग्री करेंगे या नहीं करेंगे मैं कहता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए पैसा नहीं चाहिए ठीक है स्किल चाहिए इफ यू हैव स्किल पैसा आपके पीछे दौड़ के आएगा ऐसे ही है खुद ही ठीक है तो ये एक, एक, एक ये जी, हो गया नंबर वन के आप कहते हो कि ओवर एक्सपेक्ट ना करें मार्केट से ठीक है और सही बैलेंस से स्टार्ट करें सही प्लान के साथ स्टार्ट करें ऐसे ही सर इसमें ही सारी चीजें छुपी हुई हैं जब आप ये चीजें करेंगे तो एक तो आपकी साइकोलॉजी खराब होगी ठीक है आप प्रेशर में आके ट्रेड करोगे जैसे कि अभी आपका फॉर एग्जाम्पल आपने इस पूरे मंथ में उसमें पाँच डॉलर बनाए हैं डॉलर से ठीक है तो आगे बिजली का बिल आ गया जी घर वाले ने बोला कि बिल आ गया तो अगली ट्रेड आप सोच के, हो हो के, हो के ये बिल निकले। बिल निकले निकले ठीक है फिर अगर लॉस हो गया तो उसके ऊपर फिर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे और उसमें ये हो गया कि आप जब जाहिर है आप ट्रेड कर रहे हो तो नई चीजें सीख भी नहीं रहे होता इंसान तो गलती मेन गलती तो मैं इस चीज को समझता हूँ कि आप इसको बिजनेस समझ के करें बिजनेस की तरह इसको डील करें और एक बिजनेस में जिस तरह से प्रॉफिट होता है वो करें और नॉलेज जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है मैं खुद अभी आज के इस टाइम में मैं जैसे जैसे दुनिया में मुख्तलिफ़ कंट्रीज में जाता हूँ मुझे पता चलता है कि यार अभी हमारे पास कुछ भी नॉलेज नहीं है हाँ। well. बिल्कुल <laughs> और हमारे लोगों को सिर्फ अगर एक ट्रेंड लाइन लगाना आ गई है, लगा है या वो आर एस ए लगा लेते हैं या वो मार्केट स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो वो समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है वो अपने आप को फोरक उस्ताद कहना शुरू कर देते <laughs> तो, <laughs> तो उसमें यह है कि आई थिंक सो नॉलेज जो है ना वैसे भी ये एक बात है कि जो इंसान ये समझता है कि उसे सब कुछ आता है उसे कुछ भी नहीं आता होता या तो वो आप हमेशा सीखें और इम्प्रूव करें ये गलतियां फिर साथ साथ जो है वो चीज़ें सही होती हैं वट थिंक इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है अब यहाँ पे दो चीज़ें कंफ्लिक कर जाती हैं क्या कर रही है कि अब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं हमने प्लान बनाया हुआ है हाँ, ठीक है अब एक तरफ तो वो भी बंदा गलत था जो लर्निंग करना बंद कर देता है हाँ, अब दूसरी तरफ लर्निंग का लोग ये मतलब ले लेते हैं कि मैं और स्ट्रेटजीज भी लर्न करूँ सो दैट इज पॉइंट कि हाँ, आप जब कहते हो कि लर्न करते रहो हाँ, ठीक है मार्केट के साथ तो इसका बेसिक मकसद क्या होता है सर लर्न का ये मतलब नहीं होता एक तो ये भी चीज़ गलत है कि आप डिफरेंट चीज़ों को फॉलो करते हो एक ही टाइम में पॉइंट ah, हाँ वो फिर ये है कि हर बंदा जैसे मैं hmm. किसी और स्ट्रेटेजी पे ट्रेड कर रहा हूँ hmm. रहील भाई किसी और पे कर रहे होंगे थर्ड पर्सन किसी और पे कर रहा होगा hmm. अगर आप डिफरेंट लोगों से देखना शुरू कर देंगे तो वो ये होगा कि आपका नॉलेज जो है ना वो एक डिवाइड हो जाएगा आपको किसी को भी एक तो समझ नहीं आनी और इसकी मिसाल वैसे इस्लामिक वो उस पर भी चली जाती है लेकिन खैर शायद उसको छोड़ें कि आप डिफरेंट जो है ना वो आप स्टडी करें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार कि क्या मतलब कि कौन सी चीज़ें हमने करनी कौन सी नहीं तो आप नहीं बिफोर एक्सेप्टिंग एनीथिंग बिफोर अडेप्टिंग एनीथिंग थिंग आप सबको स्टडी कर लो चलो ये सही है बिल्कुल ठीक है बट जब आपने कर लिया था हाँ। कि मैंने इस पे काम करना है फिर उसकी अपडेट पे नॉलेज हासिल करो

दुनिया में कोई भी आपकी स्ट्रेटजी है ना वो हंड्रेड परसेंट नहीं है हमारी गलती ये भी होती है कि हम दो चार दिन एक चीज पे करते हैं जब उस पर स्टॉप लॉस दो हिट हुए या लॉस हुआ हम कहते हैं नहीं ये रहील भाई को तो पता नहीं है या मोहसिन साहब को पता नहीं है तो कोई और देखते, है और देखते हैं बंदा ठीक है तो वो ज़ाहिर है वो किसी और चीज़ पे काम कर रहे हैं गलती होने का लॉस होने का ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ सही नहीं है वो हो सकता है कि आपका उस टाइम डिसीजन गलत हो या वो चीज को अप्लाई करने का टाइम गलत हो फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन चार साल बाद आता है, इलेक्शन के टाइम चले फिर वार, वार चल रही है धीमी आंच पे एक, उती एक, उती एक, उती एक उती वार. तो होती है तो कुछ चीजें होती हैं जो हम फंडामेंटल को इग्नोर करते हैं तो बिल्कुल तो हमें ये समझ आई आपके जो आपने हमें बताया ऑडियंस को कि भाई आपको इन इन चीज़ों का ख्याल रखना है तो आपकी नज़र में कौन सा है कि यार ये काम तो लाजमी करना है और ये काम तो बिल्कुल नहीं करना डू एंड डोंट्स देखें आजकल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि मुख्तलफ लोग जो ना वो आ, अब जैसे मैं अगर अपनी मिसाल लूँ तो मेरे नाम से मेरी पिक्चर को यूज करते हुए हजारों टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं जिनको हम रिपोर्ट भी करते रहते हैं और वो दोबारा से लोग बनाते हैं व्हाट्सएप के चैनल्स बने हुए हैं और आज जी तीन प्रोफाइल्स मेरी सामने आई हैं कि ये भी आपकी मार्केट में चल रही है मतलब यार ये मुझे पता नहीं हालांकि मेरे ख्याल से मैंने ब्लू टिक लिया हुआ है मेरे ख्याल से आपके पास भी है हाँ। ब्लू टिक ठीक है तो ब्लू टिक है होने के बावजूद ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं फेसबुक और व्हाट्सअप पे तो टेलीग्राम पे तो भरमार है ना भाई साहब बिल्कुल ऐसी ही है और जैसे मैं बोल चुका हूँ आप भी बल्कि ऐसे आप करते रहते हैं कि हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं या हमारा है। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है तो मेरे नाम से कई लोग इन्वेस्टमेंट भी मांगते हैं लोग उनको दे भी देते हैं मुझे ये भी नहीं समझ आया <laughs> हम खुद मांगे तो हमेशा इतना मिलेंगे हाँ। लोग हमारे नाम से ले रहे हैं भाई और मुझे जो है ना वो नीचे कमेंट में फिर कह रहे होते हैं कि आपने मेरे पैसे खा दिया मुझे पता चलता है कि यार ये ये चीज सीन हुआ है तो एक तो डिफरेंट ग्रुप्स जब आप लोग देख लेते हो तो सिर्फ उसके ऊपर आंखें बंद करके बिलीव कर लेना और ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप सिग्नल्स के ऊपर काम कर रहे हो और ऐसे अन नोन के ऊपर आप जो है वो ट्रस्ट कर लेते हैं ठीक हाँ। है तो ये आज की मार्केट को ज़्यादा ख़राब भी किया जा रहा है इस वजह से ठीक है तो ये तो आप लाजमी जो है ना वो मेक श्योर sure करें कि जो बंदे को आप फॉलो कर रहे हो वो

अच्छा ऐसे कौन से दो काम फॉर एग्जाम्पल आप तो यार ये तो लाजमी है आपने करने करने हैं बिफोर एंटरिंग इन मार्केट या ट्रेडिंग की फील्ड में आना चाहिए चाहने के करने के लिए तो इसमें कौन से एक तो ये है कि आप जैसे मैंने पहले बोला कि सबसे पहले तो नॉलेज है लर्निंग करें लर्निंग करें प्रॉपर मेथड से और प्रॉपर जगह से और उसको फिर दूसरी चीज इसमें ये कि इम्प्लीमेंट करें अगले छः महीने वो इसको एज अगर वो रियल अकाउंट पे भी कर रहा है तो एज अ डेमो ही उस पे करे ठीक है कि वो गलती हो सकती है और उसको सीखने के लिए करे प्रॉफिट के लिए नहीं अगले सिक्स मंथ और उसके बाद वो डिसाइड खुद से कर सकता है कि वो ये चीज़ करना चाह रहा है या नहीं, नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं अपने चैनल्स पे शेयर करते रहते हैं लेकिन ये बहुत और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ये चीज़ ऐड करना चाहूंगा कि ट्रेडिंग के अंदर जो आपके ऊपर आपके जो इमोशंस हैं उन पर कंट्रोल जो करना इंसान नहीं कर सकता ना उसको भी इस इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहिए hmm. ठीक है क्योंकि ये मार्केट ऐसी है जो कि आपको बार बार अपॉर्चुनिटीज़ देती है तो उसके ऊपर अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो सबसे पहले तो hmm. उसको इम्प्रूव करें आप जो है वो अपनी जो स्ट्रेटजी बनाई उसके ऊपर स्ट्रिक रहें hmm. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसी से फिर मनी मैनेजमेंट भी होगी उसी से ही आप डिसिप्लिन भी आएगा डिसिप्लिन भी आएगा वो चीजें आप तब भी कर सकते हैं अच्छा मोहसिन भाई बड़ी जबरदस्त आपने बातें हमें है, बताई हैं लेकिन जो हम आपकी बेसिक्स अभी मैंने छेड़ी नहीं है ठीक है कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की ट्रेडिंग कहाँ से लर्न की वो हम अगली पॉडकास्ट में करेंगे हजार कमेंट का आपने टारगेट दिया हाँ। इंशाल्लाह माय ऑडियंस में इंशाल्लाह हिट सर आप खुद तो दुबई भाग गए हमने लोग ये भी कहते हैं कि आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये बंदा शायद किसी लोगों की इन्वेस्टमेंट लेके भाग गया है या पता नहीं लॉस किए हैं लोगों के या क्यों आप दुबई भाग गए तो वाई यू मूव दुबई <laughs> अच्छा ये आपने वाकई ऐसा सवाल किया जो कि मुझसे डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाता हाँ। ठीक है लेकिन ज़ाहिर है मुझे पता होता है और रखने वाले लोग डिफरेंट जगह पे <laughs> अच्छा कई लोग ऐसे भी हैं हाँ। जो YouTube पे वीडियोस बनाते हैं हाँ। और जब उनसे कोई बंदा पूछता है या मेरा जिक्र होता है तो वो आगे अपने आप को फेमस करने के लिए जो भी हाँ। हाँ। मुझे डीमोटिवेट करने के लिए या नीचा दिखाने के लिए नीचा दिखाने के लिए वो ये उसको बताते हैं कि नहीं नहीं वो तो इस वजह से भाग गया या ऐसी चीजें मुख्तलि ऐसी मुख्तफ चीजें फेमस हैं तो एक तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो ना कम्युनिटी में कोई भी चीज बिला तस्दीक के ही फेमस कर दी जाती है हाँ, बात कर दी जाती है ठीक है और दूसरी बड़ी चीज है कि जब आप अर्निंग करते हो जब आप एक काम कर रहे होते हो तो हमेशा इंसान बेटर अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाता है जाता है और उसको जाना चाहिए अल्लाह ताला की ही जमीन है सारे पूरी दुनिया ठीक है और आप कहीं पे भी अपने आप को अगर समझते हो कि वो आपकी वहाँ पे ग्रोथ ज्यादा है और वहाँ पे चीजें हो सकती है और एक लेवल पे जब आप आ जाते हो तो आप मूव करना कोई इतना गुनाह नहीं है हिजरत तो स्वाब का काम है सर जी बिल्कुल और हम लोग यहाँ पे इसको गलत कहते गलत हैं और इसमें सर मैं तो भाई इस वजह से

आप अगर दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो देखते हैं दुबई में फॉरेक्स का दुबई में होता है इस टाइम दुनिया के जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं या ट्रेडर्स को भी छोड़ दें इन्फ्लुएंसर हैं जो मिलीनियर्स हैं वो भी सबसे ज्यादा दुबई में पाए रह जाते हैं ठीक है उसकी रीजन उसकी एक और भी वजह है कि ये आपको ना आप वहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हो ज्यादा ग्रोथ कर सकते हो और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है ये पहले मैं ये सोचता था कि मुझे जो है ना वो मूव नहीं करना चाहिए या ऐसे जब मैंने ये चीज़ की है तो मेरी उसमें आ, मेरे नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ ठीक है मैंने थोड़ा सा पॉजिटिव होके और बड़े माइंड के साथ सोचना शुरू किया आ, क्योंकि हमारे एक उस जगह पे ना महदूद कम्युनिटी थी और खुद ही हाँ।, हाँ खुद डू बनना पसंद नहीं किया बिल्कुल सर उसमें एक और भी चीज़ होती है ना आपके आप जब एक जगह पे रहते हो ना अब जैसे कि वहां पे कोई एक्सपो या इस तरह की कोई आ, कोई कम्युनिटी या कोई एक्टिविटी नहीं है जहाँ पे आप नई चीजें सीख भी सीखना जरूरी है तो रहे हैं हाँ हमें मिलेगी भाई बिल्कुल तो उसके लिए है कि आप ऐसी ऐसे जो है ना वो जगह पे रह रहे हो जहा पे ये आपको डिफॉल्ट जो है ना वो एक अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है मोटिवेशन भी मिलती है वाह 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 तो इसके पीछे कोई ऐसी रीजन नहीं है ना मैं भागा हूँ और मैं जा, आता भी हूँ पाकिस्तान भी जाता हूँ और, इस, और इसके अलावा अपने प्रोजेक्ट को काफी ऊपर लेवल पे लेके जाने के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए मैं दुबई शिफ्ट हुआ हूँ आप हो भी सकते हैं ना भी हों तो कोई ऐसा इशू नहीं है इसके अलावा तो अभी आप प्रोफेशनल इन्वॉर्मेंट पे चले गए हो ठीक है जी अब यहाँ पे

ठीक है दुबई में ये है कि दुबई में रहने के लिए आपको जो लोग रहते हैं उन्हें पता है कि उनसे इस तरह का सवाल तो और ख़ास पे जो लोग दुबई में रह रहे हैं और वो ज़ाहिर है वो अच्छी अमाउंट बना रहे होंगे ट्रेडिंग से ठीक है तो फिर तो आप काफी ज्यादा कामयाब ट्रेडर से भी मिलते होंगे

रहता है ऐसा जब हाँ। इंसान बाहर नहीं निकलता हां बाहर देखता नहीं है जब आप एक ही जगह पे बस स्टक होते हो गली की सियासत आपको लगता है कि सब कुछ मेरे पास ही है या मैं ही बस बहुत ज्यादा है लेकिन जब आप बाहर जाकर देखते हो आपको पता लगता है कि यार हमारे पास तो ना नॉलेज है उतना वी आर नथिंग वी नो वेयर जो है ना वो हम आगे इंप्रूव कर रहे हैं और ये चीजें मैंने भी वैसे दुबई में आके बहुत ज्यादा चीजें सीखी हैं सर और जो आ, मतलब इसमें कोई हर्ज नहीं है यार और जो आप बात करेंगे कि कितने लोग इसमें यहाँ पे कितने आ, हैं मतलब कि जो एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं ट्रेडिंग की बहुत ज्यादा लोग हैं हमें एक्सपो में इस दफा खास तौर पे जो लास्ट एक्सपो था वो भरा पड़ा था इतना ज्यादा एक्सपो मैंने अपनी पूरी हिस्ट्री में नहीं देखा बहुत ज्यादा रश था बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा रश था और ज़ाहिर है वो ट्रेडिंग के लिए ही आए थे ट्रेडिंग अवेयरनेस उनके अंदर थी तो वो आए थे उस जगह पे

हमारे पास जो है ना अगर, अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपको डिफरेंट ब्रोकर्स के डिफरेंट इस तरह की चीज़ें एडवर्टाइजमेंट नजर आता है तो, तो आप खुल के वहाँ पे कर सकते हो वहाँ पे उनके ऑफिस हैं आप जा सकते हो उनकी रेगुलेशन हैं वहाँ पे तो इसलिए ये जो है ना दुबई में लोग ज्यादातर खासतौर पर ट्रेडर और अगर दूसरी कंट्री हम बात करें सिंगापुर में भी बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स हैं तो और भी जगह पे बहुत ज्यादा है लेकिन इसका मतलब है ट्रेडर्स की जन्नत अगर देखनी हो तो फिर दुबई जाना पड़ेगा आपका आज टाइम देने के लिए आई होप कि आपका ये चैलेंज मेरी ऑडियंस एक्सेप्ट भी करेगी और उसको जल्द जल्द पूरा करेगी और आपसे बस ये वादा चाहिए जैसे ही मेरी ऑडियंस वन थाउजेंड लाइक वन थाउजेंड कमेंट कर देती है तो आपने फौरन से पहले अपनी अवेलेबिलिटी देनी है और हमने पॉडकास्ट का पार्ट टू रिकॉर्ड करना बिकॉज मेरे पास इतने गर्म गर्म क्वेश्चन उछल रहे हैं ना सही कि भाई मुझे ये नाइस का तजस् की हाँ। और मोहसिन शेयर की कि इसने अकाउंट उड़ा दिया हाँ। या फिर कौन सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी या क्या प्रॉब्लम थी आई मीन टू से लोगों को क्या लगता है और मार्केट में क्या चल रहा है क्या ये सारा लॉस Forex, uh, से जितना भी किया है सारा मोसिन की जेब में गया है या फिर मोसिन का कितना लॉस हुआ है और इससे भी बात, और इससे इससे भी ज्यादा अच्छी बात कमेंट तो एक वीक में पूरे कर दो भाई सो so, हाँ uh, बहुत शुक्रिया मोहसिन भैया आपका एंड में कोई पैगाम देना चाहेंगे मैं ये खुद भी बताना चाहता हूँ चले वो आपके पॉडकास्ट uh, के जरिए ही कोई सुनना चाहता है तो लेकिन उसके लिए कमेंट करें और मैं ये बताना चाहूँगा hmm. uh, क्योंकि मेरे ना पूरी एक uh, मैं दोबारा पॉडकास्ट तो स्टार्ट नहीं करना चाह रहा लेकिन एक लास्ट बात ही कहना चाहूँगा hmm. कि मेरी पूरी एक जर्नी है या yeah. और uh, मैंने एक ना साइकिल से चीजें स्टार्ट की हुई है मेरे yes. पास एक एक पूरी मुझे पता है आई नो बट मैं चाहता हूं कि ये जानते हैं दे डिमांड वो डिमांड इट तो वो चीज़ें हैं कि इन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अगर आप सुनना चाहते हैं और ऐसी आ, जो है वो कोई बात नहीं है वो पूरी डिटेल से आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ सो आस्क मोहसिन शेयर आस्क एट द रेट ऑफ फॉरक सीखो कमेंट में लिखो अपना सवाल लिखो और मैं आपको इन उसके जवाब लेके दूंगा कि किस तरीके से एक साइकिल वाला किस तरीके से बड़े बड़े दुबई के अपार्टमेंट्स का ऑनर बन गया किस तरीके से ये सफ़र शुरू शुरू हुआ कहाँ से शुरू हुआ और अब ये काम है और आज हम मलेशिया में क्यों बैठे हुए सारी बातों का खुलासा करेंगे इन अगली पॉडकास्ट के स्क्रीन इजाज़त दें अस्सलाम अम्मी